How are you all? I hope you all are doing good today. We are going to study plants. We already know plants are our green friends, they are useful to us in many ways. We will know the root system of its functions, the shoot system of its functions, taking care of trees around us when one mahotsav. Plants are one of the most essential living organisms on the earth. A plant can be divided into two parts. द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम ओके प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा असेंशियल मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं अर्थ का ओके okay. इन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में ओके okay. ये देखिए प्लांट के पार्ट्स बताए गए हैं रूट्स स्टेम लीफ फ्रूट फ्लावर रूट सिस्टम द रूट सिस्टम ग्रोस बिलो द सॉइल रूट्स लाइक उट अंडर द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट इज ऑफ टू टाइप टैप रूट एंड फाइब्रस रूट देखिए रूट सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड के अंडर होता है जहां पर रूट होती हैं रूट जो होती हैं वो रोप्स की तरह होती हैं जो फैली हुई होती है ग्राउंड के अंडर जो रूट होती है वो टू टाइप्स की होती हैं एक होता है आपका टैप रूट और दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट्स ओके टैप रूट सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट दट ग्रो डाउन स्ट्रेट फ्राम द स्टेम द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट द स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट विच इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स पी नीम मैंगो कैरेट रेडिश टर्निप एंड हिबिस्कस हैव द टैप रूट देखिए कुछ प्लाट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेन रूट होती है और वह स्ट्रेट ही ग्राउंड में जाती है उसे हम टैप रूट बोलते हैं ओके okay? बहुत सारी स्मॉल रूट्स होती हैं जो कि मेन रूट होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स भी कहते हैं ऐसी रूट्स होती हैं पी नीम मैंगो कैरेट रेडिश टर्निस्ट हिबिस्कस जैसे प्लांट्स की ओके okay? ये सब टैप रूट के प्लांट्स होते हैं फाइब्रस रूट्स द फाइब्रस रूट्स ग्रो एज अ क्लस्टर ऑफ मेनी स्मॉल रूट्स एवरी ब्रांच इज़ अ क्लस्टर इज ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज दीज आर कोल्ड फाइब्रस रूट्स ग्रासेस वीट मेज एंड रेट राइस है वो स्मॉल रूट्स की तरह होती हैं और वो नीचे जाकर प्रॉपरली फैल जाती हैं जैसे पिक्चर आप देख सकते हैं साइड में इनकी जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपरली स्प्रेड होती हैं इन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं ग्रासीज वीट मेज राइस इन सबकी जो रूट होती हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स द रूट ऑफ अ प्लांट हैज the following functions root fixes the plant firmly to the ground this prevent the plant from being pulled out easily or blown drawn by the wind dekhiye roots jo hoti hain wo ground se fixed hoti hain okay ये prevent करती है plants को easily pull out होने से और जितनी भी तेज़ जो winds आती हैं उनसे डैमेज होने से उसको प्रोटेक्ट करती हैं ओके रूट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्लांट लाइक कैरेट बीट रूट रेडिशो एक्सेट्रा स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स दीज रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स देखिए रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से अब्जॉर्व करती हैं और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए ओके okay? प्लांट्स जैसे कि कैरेट बीट रूट रेडिश स्वीट पोटेटो हो गए इनमें जो होता है फूड जो होता है वो ये प्रिजर्व करके रखते हैं अपने अंदर ठीक है इस टाइप की रूट्स को हम कहते हैं स्टोरेज रूट्स ये जो रूट्स होती हैं ये एज वेजिटेबल्स खाई जाती हैं ओके स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन द सॉयल प्लांट्स लाइक ऑर्किड डू नॉट ग्रो इन द सॉयल दे सो दे कैन नॉट मेक फूड और ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉयल They grow on the अदर प्लांट्स एंड टेक इन फूड एंड वाटर फ्रॉम द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स ओके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल से ग्रो नहीं करते हैं जैसे कि ऑर्किड हो गया ये सॉइल में ग्रो नहीं करता है और ये क्योंकि सॉयल में ग्रो नहीं करता तो ये वाटर या मिनरल्स ऑब्जर्व नहीं कर पाता है इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं ओके okay. ये दूसरे प्लांट्स से वॉटर और फूड ऑब्जर्व करते हैं ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं ओके वेन वी लुक एट बेनियन ट्री वी सी आर रोप लाइक ग्रोथ हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस दिस हैंगिंग ग्रोथ्स ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स सच रूट्स आर कोल्ड एरियल रूट्स दीज Act like pillars and support the heavy branches of the banyan tree. The supporting roots provide additional support to the big banyan tree. Okay. जब आप banyan tree को देखोगे उसके ऊपर आपको बहुत heavy heavy branches टाइप का कुछ दिखेगा रोप टाइप का कुछ दिखेगा और जो वो रोप टाइप का ब्रांचेस पे होगा उसे हम एरियल रूट्स कहते हैं ओके okay. ये एक्ट करते हैं एज पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द बेनियन ट्री ठीक है ये एडिशनल सपोर्ट होता है बेनियन ट्री का स्वैम्प ग्रोइंग प्लांट सच एज मैनग्रूव ब्रीदिंग रूट एज द स्वैंपी सॉइल इज पुअर इन ऑक्सीजन रूट ब्रांचेस ग्रो अपवर्ड इन टू द एयर मेस ऑन है स्टेम एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट देखिए स्वैम्प ग्रोइंग प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि मैनग्रूव हो गए इनके पास ब्रीदिंग रूट्स होती हैं ये स्वैंपी सॉइल क्योंकि इनकी जो सॉइल होती है वो पुअर होती है इनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपवर्ड मतलब के जो आपकी लैंड है सॉइल है उससे अपवर्ड ग्रो करती हैं ओके मेस प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टिल रूट्स होती हैं और वो डेवलप करती हैं नोड्स स्टेम्स में ओके okay? और एक्स्ट्रा सपोर्ट लेती हैं उनसे नाउ लेट्स नो वाटर और एक्वेटिक प्लाट्स लाइक लोटस टक्विड एंड वाटर ठीक है एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि लोटस टकविड या वाटर हाइसिंथ जो होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्पोंजी फ्लोटिंग रूट्स होती हैं ओके देखिए बैनन ट्री किस तरीके से दिखता है पैरासिटिक प्लांट्स कैसे होते हैं मैनग्रोव मेज प्लांट रूट्स किस तरीके से होती है अपवर्ड मतलब कि सॉइल से अपवर्ड आई हुई है शूट सिस्टम द शूट सिस्टम ग्रोज अब स्टेम लीव फ्लावर्स बर्ड्स एंड फ्रूट्स ओके शूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है इसमें क्या क्या होते हैं स्टेम फ्लावर्स लीव्स और फ्रूट्स होते हैं स्टेम स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच राइजेस वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रॉगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इज नॉन एज अ ट्रंक देखिए स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है ओके और जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कि ट्री उनके स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं ओके फंक्शंस ऑफ अ स्टेम स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीवस फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ऑनियन पटाटो एंड जिंजर स्टोर फूड फ्रॉम द प्लांट्स इन दियर सिस्टम द स्टेम ऑफ दिज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड दि स्टेम्स आर कोल्ड अंडर ग्राउंड स्टेम्स देखिये फंक्शन क्या क्या होते हैं स्टेम्स के स्टेम्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स कैरी करती है रूट से जो कि लीवस तक जाते हैं स्टेम फूड जो प्रिपेयर होता है वो कैरी करती है लीव्स से लेके बाकी जितने भी पार्ट्स है प्लांट के वहां तक लेके जाती हैं ओके प्लांट्स जैसे कि ऑनियन पोटैटो जिंजर हो गए इनमें फूड स्टोर करके रखते हैं अपने स्टेम में ओके और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो स्टेम्स होती हैं ये अंडर द ग्राउंड भी होती हैं और इन स्टेम्स को हम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं ओके पोस्ट टू

फ्लैट ग्रीन पार्ट होती है प्लांट का ये ब्रांचेस से अटैच होती हैं लीज मैन्युफैक्चर करती हैं फूड को और वो फूड प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं इन्हें फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है प्लांट की ओके okay? साइड में देखिए लीफ का वो जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसे स्टिप्यूल्स कहते हैं जहां से आपकी लीव शुरू होती है उसे पिटॉइल बोलते हैं देन जो बीच का हिस्सा है उसे रिप बोला जाता है साइड की जो वेन्स हैं, उसे वेन कहा देखिए जो पार्ट है ये वाला इसे लीफ लमीना बोला जाता है और साइड के जो कट्स होते हैं लीव्स के उसे ब्लेड बोला जाता है ओके फ्लावर्स फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट द मेन फंक्शंस ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है फ्लावर जो फ्लावर के फंक्शन होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करना होता है और फ्रूट प्रोड्यूस करना होता है ओके फ्रूट्स। अ फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन सीड द सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इन साइड इट एंड द फ्रूट फॉर द न्यू प्लांट प्लांट सीड सकता है जो भी अगर हम किसी भी पेड़ से पौधा तोड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंगो हो गया आपका मैंगो में जो सीड होता है उस सीड में एक बेबी प्लांट होता है उसे अगर आप ग्रो करेंगे में रखेंगे तो न्यू मैंगो ट्री जो है वो ग्रो कर सकता है ओके टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज अराउंड रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंडश और ब्लो अवे दॉप सॉइल दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन रूट ऑफ प्लांट्स Bind the soil and prevent soil erosion. One way to check soil erosion is to grow more and more plants. Remember, our responsibility does not end here. We should water the plants regularly and add manure to the soil. Nature the sapling till it grows into a tree. We should not allow anyone to cut a tree. Deekhe. हैवी रेन्स या फिर स्ट्रॉन्ग जो होती हैं उसकी वजह से जो प्लांट की टॉप सॉइल होती है वो बिखर जाती है हट जाती है उड़ जाती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है ओके तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने चाहिए आपका काम यहीं पे नहीं खत्म होता आपने जो न्यू प्लांट ग्रो किया है जब तक वो प्रॉपर ट्री में ग्रो नहीं हो जाता तब तक उसको आपको प्रोटेक्ट करना है उसको प्रॉपर मिन्योर देना है वॉटर करना है ओके आपको प्लांट्स या ट्रीज कट नहीं करने चाहिए वन महोत्सव

बहुत सारे स्कूल्स में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये हम हमारे नेचर को एक तरीके से गिफ्ट करते हैं और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं ओके सम अप द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स Plants like pea, neem, mango, carrot, radish, turnip, and hibiscus have tap roots. The fibrous roots grow as a cluster of many small roots. Root fixes the plant firmly to the ground. This prevents the plant from being pulled out easily or blown down by the wind. Maize plants have stilt roots which develop the nodes on the stem and provide extra support. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रांगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इट इज नोन एज ट्रंक द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज द बेस्ट गिफ्ट टू आर फ्यूचर जनरेशन सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे